आपके कहा गया आप और आप इनकी जैसे शुरुआत की कुछ एक्ट्रेसेस है जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था आपने शुरुआत की है, बट आपको बहुत सीरीज कहा कि उन्होंने आपने ऐसी ट्रेन को निभाया जो आपकी ट्रेन नहीं थी, ऐसी ट्रेन ऐसे ट्रेन में आप गई हैं जैसे आप बिहार की लैंग्वेज जी 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 और एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जी रही है जो बहुत सारे कैरेक्टर में हो सकता है कि उभर के ना है लेकिन अनुराग के साथ आपके परफॉर्मेंस को सुधारा है जी, आपको कैसे रिव्यू मिल रहा है? देखिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसे रिव्यू मिल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था कि हमारी इंडस्ट्री में लोग इतने जेनरस हैं कि एक मतलब रिलेटिव न्यू कमर को इतने सारी सराहना देंगे। मैंने कोई भी अब तक अपना एक भी ख़राब रिव्यू नहीं पढ़ा है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत आभारी हूँ उन लोगों की जो अप्रिशिएट करते हैं काम को, और मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ अनुराग कश्यप की क्योंकि उन्होंने ऐसा कैरेक्टर लिख के मुझे दिया है कि मुझे पूरा स्ट्रक्चर इतनी आसानी से मिल गया तो मेरे लिए काम करना आसान हो गया, और मनोज की वजह से मेरी परफॉर्मेंस अगर 5 पे थी तो वो 9 पे पहुंच गई क्योंकि ये मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरी हेल्प करते थे, मुझे सारे क्यूज देते थे, फिजिकली इमोशनली हर तरह से इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मनोज एक अनुराग जी के फिल्म पर कहा जाता है क्रिटिक्स बहुत अच्छा कहते हैं लेकिन अल्टीमेटली बात आती है आपने कितने पैसे कमाए जी, आप किस पैमाने पे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म क्या गजब लाएगी? अरे शुरुआत इतनी बढ़िया हो चुकी है यार, पहले दिन जो है सुबह के शोज कम अच्छे थे, रात होते होते सब जगह हाउसफुल, 4 करोड़ नेट का हमारा कलेक्शन है और बस हम लोग अब ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग अपनी फिल्म के बूते पे हम लोग हैं यहाँ पे और हम चाहेंगे कि बस इसी तरह से ये गति बनी रहे और अंत इसका बहुत ही अच्छा होगा मुझे यकीन है। और सिनेमा हॉल के मालिक सारे के सारे, जैसा मैंने कहा प्रकाश झा जी जो हैं वो सिनेमा हॉल के मालिक हैं, वो कलेक्शन को गिनते हैं तो उनके हिसाब से हम लोगों को अब चादर तान के सो जाना चाहिए जी। मैं कहने वाली थी कि मुझे लगता है ये फिल्म अनुराग कश्यप के लिए और हम सब के लिए गुल्लक को तोड़ने वाली है जैसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वगैरह जो कल दिल्ली वगैरह में देखने गए थे फिल्म, उनको बात की टिकटें तो मिली ही नहीं, शाम वगैरह की तो टिकटें ही नहीं मिल रही थी, तो बहुत मेरे खुद दोस्त सिनेमैक्स में गए थे और उन्होंने मुझसे कंप्लेन की कि तुमने हमें इन्वाइट किया पर हमारे लिए कुछ ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा, और मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं हुई।